क्या नाम था आपका पिछले जन्म में? संदीप। संदीप नाम था। बताओ, जो आपकी मौत हुई थी वो किस कारण से हुई थी? करंट लग गया था मोटर से। मोटर से करंट लग गया था। पानी में जो है वो, जैसे आपकी डेथ हुई तो आपकी जो आत्मा थी वो कहाँ रही? कहाँ रही इतने दिन तक? 8 साल के बाद आपने जन्म लिया, 8 साल तक कहाँ रही? छत पे। हाँ, मेरी माँ रोया कर दी। अच्छा, रोया कर दी। मैं रोटी ठा कर ले जा कर दा। अच्छा, कित रंदा तू नुकर दा? मारी छत पर रंदा, मन नहीं और की छत पर रंदा, पड़ोसी है छत लाग है। अच्छा। और रंदा। हाँ। अच्छा, कास्ट अलग हो गई जी, पिछली बार पंडित जी थे। हाँ, मैं लाए नहीं रहे जी, या कास्ट अलग लाए नहीं रहे। हाँ, मैं तो आधे पंडित हो गया, आधे जाट हो गए मैं भी। हाँ, जोड़ नर्स का तो करंट लग गया था, ओड़ा नर्स का हाथ ला दिया, हेड़ा मेरा करंट लग गया था। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। भाई, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक अनोखी स्टोरी आपके साथ लेके आया हूं, क्योंकि 8 साल बाद जो है इस लड़के का पुनर्जन्म हुआ है। अभी फिलहाल हम पहुंचे हैं जींद जिले के जलालपुर कला गाँव में, और इनकी जो स्टोरी है वो पिछले जन्म की याददाश्त जो है वो इस लड़के को है। इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आप मूवी में देखते हो कि पिछला जन्म होता है उसको सारी चीज़ें याद होती है, लेकिन वास्तविकता में क्या वो सच है? और कुछ सवालात आपके मन में होते हैं कि भाई मरने के बाद इंसान का क्या होता है, उसकी आत्मा जो है वो कहाँ रहती है, तब तक उसके हम दिन करते हैं वो आत्मा वहीं पर रहती है, या क्या कुछ रहता है, उसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। तो अच्छा छोटू, क्या नाम है अभी इस जन्म का, नाम क्या आपको, वो नाम बताओ पहले तो। संदीप था, ये लविश है। अच्छा, आप लविश नाम है। हाँ। पहले क्या नाम था आपका पिछले जन्म में? संदीप। संदीप नाम था। हाँ। अच्छा, जो है पिछले जन्म में आपके मम्मी पापा का क्या नाम था? स्वरूप पंडित था मेरा पापा का था। अच्छा, मेरी माँ का था कमला। कमला जी जी। अच्छा, एक बात और बताओ, जो आपकी मौत हुई थी वो किस कारण से हुई थी? करंट लग गया था मोटर से। मोटर से करंट लग गया था, पानी वाली मोटर से। हाँ। अच्छा, क्या कर रहे थे उस टाइम पे आप? नहा रहे थे जी। अच्छा, जो है लविश, ये बताओ जो है पिछला जन्म जो था, आप उसमें कितने बहन भाई थे? 3 तो भाई थे, दो बेबे थी जी। अच्छा, उनका नाम क्या क्या था? आपके जो दो भाई थे उनका नाम बताओगे एक बार? एक का विजेंद्र, एक का विजयपाल। अच्छा, और जो बहन थी उनका? एक क्या नाम था? गीता। गीता नाम था। दूसरी का वनीता। जी जी। अच्छा, पिछले जन्म में जो था आपकी जाति कौन सी कास्ट से थे आप? कौन सी जाति थी आपकी? पंडित। और अब? अब जाट। अब जाट जी। अच्छा, तो इनकी जो है परिवार के कुछ सदस्य हैं, इनकी मम्मी है या फिर इनकी दादी जी, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पे जो है इसको भी नहीं पता होता था कि भाई 2-2.5 साल की उम्र है, क्या कुछ होता है। इनकी जो दादी है वो, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूरे उस बारे में जो है चर्चा करेंगे। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्ते। अच्छा जी, जो लविश है इसको मतलब कैसे, क्या कुछ पता चला आपको कि भाई इसके पिछले जन्म की याद है? इसका जी 2.5 साल का था, 2.5 साल का था। मैं राम राव राम लाल लग गया कहनी हूँ तोतली बोली में। तो मन जाने आप मांगा है वो ले के दे दिया, ये रूस गया कोने, मैंने थी जिद कर ली। फिर इसका दादाजी ले कर गए रामरा, इतनी घर घर सारे आप पिछाने हैं, ये हमारा घर से, ये हमारी दुकान है, ये हमारा खेत है, सारी चीज इतनी जी आप पिछाने हैं, अपना आप माँ बाप सारे आप पिछाने हैं जी। जी। अच्छा, मूवी में फिल्मों में अगर हम देखते हैं जी, वो कई बार जो है कि सीन दिखाते हैं रात में, जैसे वो नींद से उठ जाते हैं, सपने वगैरह आते हैं, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट के साथ हुआ? सोया करता नहीं जी, जदे नींद में आ करता नहीं, तो जदे बोलिया करता ही मरा जाऊं। तो यह पूरी जदी आई है इसे बात की करिया करता, इतनी सारी जी पिछाण ली, बात कर ली, इतना मैनू भी पूछ दे आए दादी की होया तरह भी जड़े देख कर डरदा, राम बरसदा तो जद भी डरदा ही। अच्छा, पहली बार में जैसे आपको यकीन हुआ कि भाई इसका पिछले जन्म की याद है ना, शुरुआत में जब शुरुआत में, हाँ जदे जचगी में जी, हाँ पिछले जन्म की याद है कोई इसका कहानी? हाँ। तो इसका यही बात पाई मैं लेके गई, तो इसका यही याद करी आई। कोई डॉक्टर वगैरह को आपने दिखाया शुरुआत में? शुरू में ना, पहला तो दिखाया था डॉक्टर थे, वहाँ कदे दौरा दारा हो नहीं, दवाई भी चलू करी है हमने, फिर बोलन भी तो लग गया, तो बोलन लग गया जद मारे नु हुई है कि ये तो जिद कर ली रामरा की, रामरा जाऊं। अच्छा, रामरा जो गांव आप बता रहे हो जी, वो यहाँ से आपके गांव से जो जलालपुर कला है उससे कितनी दूर है?
ये कितना है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। हाँ अच्छा, इनकी जो मम्मी है उनको जाके स्टार्टिंग में जब आप गए थे वो कौन कौन गए थे इनकी मम्मी के इसका पास? दादा गया था शुरू में तो जी, फिर माँ में सारा कुंबा गया था, वो भी सारे आए थे। सारे आए हाँ, सारे पिछाड़ लिए मैं भी। अच्छा, शुरुआत में यकीन नहीं करते हैं लोग? जैसे इसकी जो मम्मी थी उसको यकीन हो गया था शुरुआत में कि ये जो है? शुरू में तो कोई आया था जिसका, फिर दोबारा गई है नी, फिर तीनों 8 साल पाछे कड़ाव था इतने दिन पाछे, उसका भी सच्ची थी बात, इतने दिन पाछे कड़ाव था। उस टाइम पर जाओ तो नू अपने ये मन में आवाज इतने दिन पाछे तेरा बेटा गया हुआ था, तो बुढ़ के गए हैं तो बुढ़ के उसकी अपना आप पिछाण लिया नू, हाँ मेरा बेटा है, बेटा भर गया उसका। अच्छा, कुछ बातें जो है इसमें जो वहाँ जाके कुछ बताई हो, क्या कुछ जैसे कोई रास्ता हो गया या फिर सीधा आप लेके गए थे? इसने बताया था दुकान रा इसती बताया जी, रास्ता रामे दुकान आई वहीं थी बताई, तो खेत आई वहीं इसती बताई, घर इसने अपना आप बताया, जो जड़ नर्थ कप करंट लग गया था ओडो नर्थ कप हाथ ला दिया, एडा मेरा करंट लग गया था, सारी जीती अपना आप बताई। 2.5 साल का ना तो दूसरा काम में जाएगा जी, पिछाड़ भी नहीं आवा है कित जाओ कितना जाना है। अच्छा, एक जो है जो ऑडियंस होती है उसके दिमाग में भी एक सवाल था, हमने एक पहले पुनर्जन्म की जो है वीडियो पोस्ट की थी, उसमें लोगों के कमेंट आए थे कि भई आप उनसे ये पूछो कि जो पिछले जन्म की जो पढ़ाई वगैरह थी वो नेक्स्ट जन्म में याद रहती है नहीं रहती है, कुछ सवाल कमेंट किए थे दोस्तों ने कि भई आत्मा जो है वो इतने दिन तक कहाँ रहती है, वो भी इनसे सवाल करेंगे। अच्छा लवी से एक बात बताओ, पिछले जन्म में जो है वो आप कौन सी क्लास तक पढ़े थे? 10वीं तक। 10वीं तक पढ़े थे। अच्छा, वह पिछले जन्म की जो पढ़ाई थी वो कुछ याद है आपको, कौन से स्कूल में पढ़े थे या कुछ इस टाइप का कुछ याद हो आपको? नहीं, इस टाइप का नहीं है यार। अच्छा, स्कूल पहचान लिया था आपने कि स्कूल में पढ़ा था? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ाई का मतलब कोई याद नहीं है भाई, क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था? अच्छा एक बात और बताओ लविश मेरे को, जैसे कोई भी इंसान मर जाता है उसके बाद में जो है वो, जैसे आपकी डेथ हुई तो आपकी जो आत्मा थी वो कहाँ रही, कहाँ रही इतने दिन तक? 8 साल के बाद आपने जन्म लिया, 8 साल तक कहाँ थे? छत पे। छत पे? हाँ। कहाँ रहते थे छत पे? वही। हाँ। अच्छा, वहाँ से कुछ आपको दिखता था सारा प्रोसीजर की कौन क्या कर रहा है? वही, वो भी दिखता था? हाँ। भाई कौन क्या कर रहा है, आपकी मम्मी क्या कर रही है, वो सारा कुछ दिखता था? रोटी पूरी कर दी, मैं रोटी खा के ले जा करता, मेरी माँ रोया कर दी। अच्छा, रोया? मैं रोटी खा के ले जा करता। अच्छा। हाँ जी जी। अच्छा, कितने साल के थे जब आपकी मृत्यु हुई थी, मरे थे आप पिछले जन्म में? 18 साल के थे जी। तो जो है बताया कि भाई हम जो है छत पे रहा करते थे। अच्छा, एक बात और भी है, जो दिनवाड़ी करते हैं जी उस टाइम पे भी ये बोलते हैं कि भाई आत्मा वही रहती है, तो कुछ आपसे नहीं जो जानकारी ली हो क्या कुछ? ना जी, नू तो जब तक नहीं बोले ऊन गया करते, जो महादेव इतना कितने कित रंधा तू नुकड़ा मारी छत पर रंधा मन नहीं और की छत पर रंधा पड़ोसी है छत लग गए है ओड़ रंधा, यह बात कहा करता जी, ये बात। हाँ जी, तो अभी फिलहाल जो है जी आपका जो परिवार है वो मेल जोल है उनके साथ? जमा मेल जोल है, जमा मैं भी आवा हम भी जावा जी जी, घर भर का काम हो रहा है, कोई उन पनू ने अकी भी ज्ञान नहीं है ना माम ना अकी भी ज्ञान नहीं है, हमारा खूब मेल है, हम शादी हो तो जुम्मी जावा, दुख सुख हो जुम्मी जावा, मैं भी आवा हम भी जावा जी जी। हाँ। अच्छा, कास्ट अलग होगी जी, पिछली बार पंडित जी थे हम लाए नहीं रहे जी, कास्ट अलग लाए नहीं रहे, हमें तो आधे पंडित हो गए आधे जाट हो गए, मैं भी जिन्हों भी तो कहते नहीं पंडिता का लिया नहीं करते, वो दे में भी हैं आराम दे के भी आवान जी, जी। वो मान नहीं रहे कि यहाँ जाठ आराम पंडित से जी, मेल जोड़ ऐसा हो गया? हाँ, मेल जोड़ खूब हो गया जी, जी। अच्छा, जो है लविश की जो मम्मी है उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि ये भाई एक अद्भुत जो बच्चा होता है, क्योंकि हजारों में कोई एक आधा बच्चा ऐसा होता है कि जिसको पिछले जन्म का याद होता है। अच्छा जी, एक बात बताओ जो है कितने नहीं, जैसे जो लविश है इसका पता चला कि भी पिछला जन्म है, तो उसके बारे में कैसी खुशी क्या कुछ आपको है? अच्छा लगा जी मेरे को तो बिल्कुल। अच्छा, अच्छा लगा। हाँ। अच्छा, वहाँ पे जाते हो आप भी जाते हो? हाँ, जो पिछला जो परिवार है वहाँ पे जाते हो? हाँ, जाते हैं जी। अच्छा जी, एक बात और भी है, जैसे अपने जो हिंदू धर्म है उसमें कनागत वगैरह निकालते हैं, तो अभी फिलहाल जो पीछे वाले जो है इनके मम्मी पापा है वो कनागत वगैरह मावस इस पे निकालते हैं कुछ? ये भी इसी बात का जीवन वेरा को निकालते हैं करना, ये तो अपना आप अपना रहे हैं कि मारा मर नहीं रहा, हम तो जिंदा ला रहे हैं, खूब मेल कर रहे हैं जी जी जी।
तो भाई जो है उसकी जो पिछले क्या कह रहे थे नुआ जी बेबे नु कहे मामा ने तो भाई पाठड़ा पर जरूर भेज दिए मामी नू ने कंधे मार के मैं लेके आवा है माना जरूर भेज जाएंगे तो हमें ब्याह करोगे तो शादी करोगे तो जरूर आवागे हम। अच्छा आपके घर में कोई फंक्शन होता है लविस का कोई जन्मदिन वगैरह? हाँ जन्मदिन पे आते हैं। हाँ हाँ बुलाए जी जन्मदिन पे बुलाए सत्तम है जुकरो यही सत्तम आवा इस पे इसकी माँ ने बुला लिया आज है। अच्छा हाँ लेवा देवा वाणा ठाणा पे हुए बीर मामे। अच्छा आपसे में तालमेल अब सारा कुछ ठीक है? हाँ जमा सारा कुछ ठीक। अच्छा तो फोटो अगर हम आपको दिखाएंगे जो है आपके पिछले जन्म की फोटो है। हाँ। अच्छा ये फोटो कहाँ से ले गया है फिर? घर से। पिछले हाँ। वाले घर से? हाँ। क्या कही फिर उनको क्या हाँ? बोले आप ठीक है क्या बोले आप न बोले मामा रे वे फोटो दे दो हाँ। फिर क्या बोले ले जाओ इनको ठीक ठीक। तो भाई ये जो है वो इसकी लविश की पिछले जन्म की फ़ोटो है संदीप गौतम जो कि पिछले जन्म में पंडित जी थे ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था लेकिन करंट लगने के कारण की जो है वो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद करीबन 8 साल के बाद जी आठ साल के बाद जो है इनके पिछले जो गांव था वो रामरा गांव था उससे करीबन 7-8 किलोमीटर दूर यहाँ तक 8 साल के बाद इनका जो पुनर्जन्म हुआ है। तो हमने इसके जो पूरी स्टोरी है वो आपको दिखाई और इनके जो पिछले जन्म के मम्मी पापा हैं उनसे भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे और उनको कितना बिलीव है इस बात में उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। तो और भी ऐसी ऐसी स्टोरी आपके साथ लेके आते रहेंगे तब। और हाँ अगर कोई कमेंट हो कोई सजेशन देना हो इस वीडियो के बारे में इनके जो पिछले जन्म के मम्मी पापा हैं उनसे कोई सवाल जब आपने करना हो तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव जलालपुर कला जींद हरियाणा कैमरे के पीछे मुन्नू धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय गो माता। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।